राष्ट्रवादी प्रदेश महासचिव प्रसन्न अजीत पाटिल का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत कपास आयात नीति से किसान बर्बाद हो जाएंगे। जहां देश में कपास की कीमत लगातार घट रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख गांठे या 51,000 टन कपास का आयात किया जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से कपास का आयात 2023 में होगा और इससे देश में कपास की कीमत घटेगी। सरकार के आयात नीति का उन किसानों पर भारी प्रभाव पड़ेगा जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कपास के आयात के साथ साथ खुले बाजार में तुअर के आयात के लिए भी एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी है और जिससे भविष्य में तुअर की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जलगांव जामुद तालुका ने केंद्र सरकार की गलत आयात नीति के खिलाफ राज्य महासचिव प्रसन्न जीत दादा पाटिल के नेतृत्व में विरोध और प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारतीय बाजारपेठे मधल्या कापसाच्या भावावर परिणाम होणार आहे आणि शेतकरी हा देशद्रोहीला लागणार आहे। याला 100% केंद्र सरकार मोदी सरकार जबाबदार आहे, पीयूष गोयल साहेब जबाबदार आहेत। ज्यावेळेला पवारसाहेब कृषी मंत्री होते, कोणत्या कधी कोणा वाणिज्य मंत्री हिम्मत नाही केली असं अधेमध्ये शेतकऱ्यांचे भाव कमी करायचा, हे आता होऊन राहिलेलं आहे। यातून जागा झालं पाहिजे। तसंच तुरीच्या संदर्भात देखील वर्षभरासाठी तूर आयात करायचं धोरण केलेलं आहे। हे कास्तकारा शेतकऱ्याच्या घरामध्ये माल तुरीचा जेमतेम निघणं सुरू झालेलं आहे। अशा वेळेला ही केलेली घेतला निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे, हा शेतकऱ्या विरोधी निर्णय आहे। यातून अनेक आत्महत्या होतील, त्या होणाऱ्या आत्महत्याला मोदी सरकार जबाबदार राहणार आहे, फडणवीस सरकार जबाबदार राहणार आहे, याची या ठिकाणी नोंद घ्यावी।